नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजदीप सजवान और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान सर की फिल्म राजा हिंदुस्तानी और सुपरस्टार सनी देओल सर की फिल्म जीत के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, ये दोनों फिल्में 1996 में रिलीज हुई थी और इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन कमाई की थी। पहले बात करते हैं सुपरस्टार आमिर खान सर की फिल्म राजा हिंदुस्तानी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। ये फिल्म 15 नवंबर 1996 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में हमें मुख्य भूमिका में नजर आए थे आमिर खान सर, करिश्मा कपूर, सुरेश ओबराय, जॉनी लेवर और अर्चना पुरन सिंह। इस फिल्म के डायरेक्टर थे धर्मेश दर्शन, जिन्होंने आगे आमिर खान के साथ सन 2000 में मेला फिल्म बनाई। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे अली मोरानी, करीम मोरानी और बंटी सुरेश। इस फिल्म का कुल बजट 6 करोड़ था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 43 करोड़ की शानदार कमाई की थी। वहीं इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने दुनिया भर में 78 करोड़ की शानदार कमाई की थी। दोस्तों, इस फिल्म का परदेशी परदेशी गाना तो आपको याद ही होगा। ये गाना राजा हिंदुस्तानी फिल्म का सबसे सुपरहिट गाना था। दरअसल ये गाना हॉलीवुड फिल्म V4 वेदांता से लिया गया था। दोस्तों, पहले इस सुपरहिट फिल्म में करिश्मा कपूर को नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय को लिया जाना था। उनसे बात भी हो गई थी लेकिन वह उस समय अपनी पढ़ाई को जारी रखना चाहती थी, जिस कारण ये रोल फिर करिश्मा कपूर को मिला। दोस्तों, जब ये फिल्म बनकर तैयार हो गई थी तो ये 4 घंटे 25 मिनट की थी लेकिन बाद में इसे छोटा कर दिया गया। दोस्तों, इस फिल्म में करिश्मा कपूर और आमिर खान का किस बॉलीवुड इतिहास का सबसे लंबा किस माना जाता है। दोस्तों, इससे पहले आमिर खान 8 बार फिल्मफेयर अवार्ड में नॉमिनेट हुए थे लेकिन उन्हें पहला फिल्मफेयर अवार्ड राजा हिंदुस्तानी फिल्म से ही मिला। तो इस फिल्म का एक सुपरहिट गाना कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जिसे सिंगर उदित नारायण जी ने गाया था, उसे असल में नुसरत फतेह अली खान के एल्बम किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया से लिया गया था। फिल्म के मेकर्स ऐश्वर्या के बाद जूही चावला को कास्ट करना चाहते थे लेकिन उस समय जूही चावला और आमिर खान के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए आमिर खान चाहते थे कि वह फिल्म में किसी ऐसे अभिनेत्री के साथ काम करे जिसके साथ उन्होंने पहले कभी काम ना किया हो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पहले आमिर खान सर ने इस फिल्म को ठुकरा दिया था लेकिन बाद में जब धर्मेश दर्शन ने उन्हें समझाने पर उन्होंने इस फिल्म को साइन कर लिया। दोस्तों, अब बात करते हैं सुपरस्टार सनी देओल सर की फिल्म जीत के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, ये फिल्म 23 अगस्त 1996 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म में हमें मुख्य भूमिका में नजर आए थे सनी देओल सर, सलमान खान, करिश्मा कपूर, अमरीश पुरी और आलोक नाथ। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर थे राज कन्वर और प्रोड्यूसर थे साजिद नाडियाडवाला। इस फिल्म का कुल बजट 6 करोड़ था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 26 करोड़ की शानदार कमाई की थी। वहीं इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने दुनिया भर में 55 करोड़ की शानदार कमाई की थी। इस फिल्म में टोटल 8 गाने थे और सभी गाने सुपरहिट रहे। दोस्तों, जीत फिल्म 1996 की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और कमाई के मामले में ये दूसरे नंबर पर थी। पहले नंबर पर आमिर खान सर की फिल्म राजा हिंदुस्तानी थी। ये पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें सलमान खान और सनी देओल हमें एक साथ नजर आए थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप किसी और बॉलीवुड फिल्मों के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा।